मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाएं, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। और इस तरह से बदस्तूर गाय कटती रही और हत्या होते होते करोड़ों की संख्या में पहुंच गई। गांधी जी इन्हीं की खिलाफत करते थे अंग्रेजों के जमाने में। गांधी जी को बार बार लगता था कि ये कत्लखाने बंद होने चाहिए। और गांधी जी के पहले एक और बहुत महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनको बहुत पीड़ा होती थी इन कत्लखानों के चलने से, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने तो अपने जीते जी एक फौज तैयार कर दिया गोरक्षा के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बना दिया जिसका नाम आर्य समाज आज तक जीवित है, 125 वर्ष पुराना संगठन है, कांग्रेस से भी पुराना संगठन। कांग्रेस जो राजनीतिक दल है ना, उससे पहले का ये आर्य समाज है। इसका एक ही काम था, गोरक्षा करना। और इस आर्य समाजी संगठन ने पूरे देश के नौजवानों को ऐसा चार्ज कर दिया था कि भारत के 7,32,000 गांव में हर जगह गोरक्षा समिति बन गई थी। 1870 से ये शुरू हुआ और 1894 में आकर ये आंदोलन अपने सबसे उच्चतम शिखर पर था। और 94 में जब ये आंदोलन उच्चतम शिखर पर था तो भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब मिलकर गोरक्षा में लगे हुए थे। और अंग्रेजों के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि एक भी गाय कटेगी तो अंग्रेजों की खैर नहीं। तो अंग्रेज घबरा गए थे। इसी घबराहट में रानी ने चिट्ठी लिखी थी 1894 में कि अगर इस आंदोलन को तोड़ना है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है, तो तुम ये काम करो कि सारे कत्लखानों में मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को बताओ कि गाय ये काट रहे हैं। और जब ये खबर अंग्रेजों ने फैलाई उसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि 1894 के पहले इस देश में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। पहला हिंदू मुस्लिम दंगा 1894 दिसंबर में हुआ रानी की इस चिट्ठी के बाद, और उसके बाद लाइन लग गई दंगों की। फिर क्या हुआ, आजादी का प्रश्न पीछे आ गया, गोरक्षा का प्रश्न पीछे आ गया, हिंदू मुसलमानों का सांप्रदायिकता का प्रश्न सबसे आगे आ गया। और अंग्रेजों ने लगभग 60-70 साल तक इसी आग को जलाकर रखा और इसमें समय समय पर घी डालते रहे। वो कभी भी ये दोनों एक ना हो जाएं, इसके लिए पूरी ताकत लगाकर अपने एजेंटों को उन्होंने भारत की बहुत सारी संस्थाओं में घुसा के बिठा दिया कि ये समाज एक ना हो जाए। और इस तरह से बदस्तूर गाय कटती रही और हत्या होते होते करोड़ों की संख्या में पहुंच गई।